स्टूडेंट्स, हम क्वांटिटेटिव सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं विद नॉन सेंसिटिव ऑक्सिलरी वेरिएबल, और हमने देखा कि हम किस तरह से रेशियो एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग द स्मॉल वाई बार विद स्मॉल जेड बार। स्टूडेंट्स, ये एस्टिमेटर है जो सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हुए, एस्टिमेट करते हुए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि जो पहले हम पढ़ चुके हैं वहां हम जेड बार की जगह स्मॉल वाई बार यूज करते थे, यहां पर हम स्मॉल जेड बार यूज कर रहे हैं। स्मॉल एक्स बार जो कि हमारा ऑक्सिलरी वेरिएबल है उससे उसकी रेशियो ले रहे हैं और कैपिटल एक्स बार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर, सब उन्हीं लाइंस पर जैसे हम पहले भी इसके बायस और मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करते रहे हैं, उन्हीं लाइंस पर हम इस एस्टिमेटर के लिए बायस और मीन स्क्वायर एरर को फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, हम ई नोट पहले डिफाइन करते थे स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार ओवर कैपिटल वाई बार से। अब हमारा यहां पर जो रिपोर्टेड रिस्पांस है उसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं, तो ई नोट को हम स्मॉल जेड बार माइनस कैपिटल जेड बार ओवर कैपिटल जेड बार, यानी रिलेटिव एरर फॉर द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रिपोर्टेड रिस्पॉन्स है उसके लिए ई नोट डिफाइन कर रहे हैं और ई वन ऑक्सिलरी वेरिएबल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इनसे आप पहले अच्छी तरह से समझते हैं कि आप ई नॉट से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई नॉट स्क्वायर कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर अप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन के दोनों तरफ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई नॉट स्क्वायर विल बी वेरियंस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जेड स्क्वायर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और उसके साथ हम लैम्डा यूज कर रहे हैं। लैम्डा यहां पर कैपिटल एन माइनस एन ओवर कैपिटल एन, एन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वन स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स एंड सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रो जेड एक्स सी जेड सी एक्स। सी जेड स्क्वायर को हमने पहले देखा कि सी जेड स्क्वायर जो है दैट विल बी इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर प्लस वेरियंस ऑफ स्क्रैम्बलिंग वेरिएबल डिवाइडेड बाय वाई बार स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर इसके इक्वल है। सो हमारे पास जब ये नोटेशंस हैं तो हम आसानी से इसका बायस एक्सप्रेशन और मीन स्क्वायर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एस्टिमेटर में स्टूडेंट्स स्मॉल जेड बार और स्मॉल एक्स बार की वैल्यूज को रिप्लेस किया एज कैपिटल जेड बार वन प्लस ई नॉट, कैपिटल एक्स बार वन प्लस ई वन कैंसल आउट हो गई, डिनोमिनेटर की टर्म हम न्यूमिनेटर में ले गए, पावर माइनस वन हो गई, पावर को ओपन किया और हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने इग्नोर कर दिया। वो टर्म्स जिनकी पावर थ्री और उससे ग्रेटर होगी वो इग्नोर कर दी, सिंप्लीफाई किया वाई आर आर टी माइनस कैपिटल वाई बार। आप यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर दें, जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई नॉट ई वन आप पढ़ चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वन स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं, दैट इज लैम्डा सी एक्स स्क्वायर एंड दैट इज लैम्डा सी एक्स जेड कह लें या रो जेड एक्स सी जेड सी एक्स कह लें। इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करके आप कुछ इस तरह से बायस के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वन माइनस एफ ओवर एन इज अगेन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एफ हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन से। तो बुक्स में आप डिफरेंट किस्म की नोटेशंस को देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो यहां पर रो जेड एक्स है दिस इज इक्वल टू रो वाई एक्स ओवर वन प्लस एस एस स्क्वायर वेरियंस ऑफ द स्क्रैम्बलिंग वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द बायस। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द मीन स्क्वायर एरर you'll proceed in the same way by replacing the values of small z bar small x bar into the estimator. You can simplify it, you will open this series, higher order terms will be ignored by taking the square and expected value you can find this, or expected value jab aap apply kar denge expected value of e naught square lambda c z square iski jagah aap replace kar sakte hain. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई वन, ये ई नॉट नहीं है, ये ई वन स्क्वायर है लैम्डा सी एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई नॉट ई वन
that will be lambda rho zx cz cx. So in values ko yahan par replace karne ke baad students jo mean square error ka expression hai hamare paas wo kuch is tarah se aayega. So this is how you can find the bias and the mean square error expression for the ratio estimator when you are estimating the sensitive quantitative characteristics.